जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 3, 6, 7 और 8 के लिए, ठीक है। आज मेरा काम है आपको टर्म के हिसाब से, हाँ, जो हम बांटते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कितने भाग में बांटते हैं वो बताना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे आज क्वेश्चन में, क्योंकि आज तीसरा है, दो पढ़ लिए हैं आप, ठीक। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ बंगला मुखी। अलजेब्रा पार्ट 3, 6, 7, 8, ठीक है। साफ नहीं है ना, बदल दो, 6, 7, 8 के लिए, ठीक है। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, अब इसका डिफिनेशन तुमको लेना होगा, तो तुम पॉलिनोमियल वाला देखेगा, क्लास 9-10 का है, उसमें जाएगा, ठीक है, उसमें चला जाएगा, तब तुम इसका डिफिनेशन देखेगा। अभी तुम देखो कि टर्म के आधार पर न बांटना है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दो भाग में बांटा गया, एक मोनोमियल, एक क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है, और एक हो गया पॉलीनोमियल, मोनोमियल और पॉलीनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या, वन, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा, ओनली वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा वह मोनोमियल हो गया, ठीक है। और पॉलिनोमियल को हम लोग बांटे वो टर्म के आधार, जैसे बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितना टर्म हो जाएगा, टू टर्म्स, कितना टर्म होगा बाइनोमियल में, दो टर्म्स होगा। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कितना टर्म होगा इसमें, इसमें थ्री टर्म्स होगा। क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल इसमें कितना टर्म होगा, फोर टर्म्स होगा। काला वाला नहीं चल रहा, फोर टर्म्स होगा। उसी प्रकार से पांच होगा तो पेंटोनोमियल, छह होगा तो उतना रहता नहीं है, क्वाड्रिनोमियल तक हो गया, उससे आगे रहेगा तो तुम पॉलिनोमियल लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन टर्म, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। अब है कि टर्म तुमको कैसे पता चलेगा, ठीक। जैसे हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे यहां एक एक्सप्रेशन ले लिए 2x² ठीक है, 3xyz a² b c -4x -2y+3a+7b -4x² + 7y² 7x³ + 8 8x-7 कर दो, ठीक है। ये तीन चार एग्जाम्पल हम लिए। अब देखो, ये हो गया मेरा मोनोमियल, क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। अब कहेगा ये क्या है, ई भी है मोनोमियल, देखने में लग रहा है इतना बड़ा विशाल है, 3xyz a² b c, लेकिन है क्या, यह मोनोमियल, क्यों, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म के आधार पर जो दिया गया, तो टर्म कैसे पता चलेगा, प्लस और माइनस से, कांस्टेंट और वेरिएबल को जब जोड़ा जाएगा किस साइन से, प्लस या माइनस के साइन से, ठीक है, तब वह टर्म अलग अलग कहलाएगा, ठीक है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सारा का सारा एक साथ है, इसीलिए ये भी मोनोमियल ही हुआ, ठीक है।
और इसमें आ जाओ माइनस फोर एक्स, इसमें क्या है एक ही टर्म है। अब तुम कहेगा यहां तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस फोर है, लेकिन यह किसी के साथ जुड़ा नहीं ना है जी, इसलिए भी क्या हुआ मोनोमियल। जैसे ये हो गया, इसमें क्या है एक दो तीन, तीन एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें क्या है कितना टर्म है एक दो तीन चार, चारों एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया क्वाड्रीनोमियल। अब समझ गया ये क्या है मोनोमियल, ये भी क्या है मोनोमियल। अच्छा ये मोनोमियल है, इसमें हम इसको हटा दें, यहां पर दे दें प्लस का साइन, अब बोलो ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया, नहीं हो गया। अच्छा माइनस फोर एक्स है, ठीक है यहां हम कर देते हैं थ्री माइनस फोर एक्स, अभी क्या हो गया बाइनोमियल हो गया नहीं। अच्छा यहां पर प्लस का साइन हम उड़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं जेड माइनस टू वाई जेड थ्री वाई, ठीक है अब प्लस इतना, ये कितना हो गया टर्म, दो टर्म हुआ तो अभी क्या हो गया बाइनोमियल। ठीक है यहां पर कितना टर्म है फोर टर्म है ना, तो इसमें हम कर देते हैं एक टर्म उड़ा, अभी क्या हो गया ट्राइनोमियल, माने तीन टर्म हो गया। अब समझ गया मोनोमियल और पोलिनोमियल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, एक मोनोमियल और दूसरा पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को टर्म के आधार पर दो टर्म वाला होगा तो क्या होगा बाइनोमियल, एक टर्म वाला होगा तो तीन टर्म वाला होगा तो क्या होगा ट्राइनोमियल, चार टर्म वाला होगा तो क्या होगा क्वाड्रीनोमियल। अब पता चल गया। अच्छा एक चीज आपको और पता चल गया, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन कौन टर्म है, कौन कौन टर्म है, तो जैसे यही क्वेश्चन हम ले लिए, यही क्वेश्चन ले लिए थ्री एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें जो जो टर्म है उसको अलग से लिख दो हाँ? तो एक टर्म इसमें है थ्री एक्स वाई और दूसरा टर्म है ए स्क्वायर बी सी, नहीं है थ्री एक्स वाई और दूसरा टर्म क्या है ए स्क्वायर बी सी, हो गया। अच्छा इसमें कहेगा आपको, फिर इसमें से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्या थ्री एक्स वाई है ना, इसमें एक क्वेश्चन निकाल लो कि थ्री एक्स वाई में न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरल माने न्यूमेरिकल, न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या होगा थ्री, और लिटरल कोफिशिएंट क्या हुआ एक्स वाई, नहीं। अब इसी में हम पूछते हैं कि x का कोफिशियंट क्या होगा, क्या बोले थे जिसका कोफिशियंट निकालना हो उसको छोड़ करके बाकी जो भी होगा वह उसका कोफिशियंट कहलाएगा, तो x को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा 3y, तो 3y उसका कोफिशियंट हुआ, नहीं होगा। जैसे मान लो कि इसमें दो चीज है, दो चीज है और तो है बहुत, दो चीज है मान के तुमको पता है कि दो चीज है, तो इसका कोफिशियंट क्या होगा, तो इसको हटा दो, क्या पूछ रहे हैं ये ढक्कन का कोफिशियंट क्या हुआ, तो ढक्कन को हटा दो बाकी क्या बचा है ई, इसका कोफिशियंट ई हो गया। अच्छा अब कह रहे हैं इसका कोफिशियंट क्या हुआ, तो इसको हटा दो इसका कोफिशियंट हो गया। अब समझ गया बात, यानी जिसका कोफिशियंट निकालने के लिए कहेगा उसको हटा दो बाकी जो सब बच गया सब उसका कोफिशियंट हो गया, हो गया बात खत्म। अब तो हम क्वेश्चन डाल सकते हैं, अब नहीं डाल सकते हैं, इतना ही ना था मेरा काम, और सब आपको हम बताए हुए हैं, अब हम आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलो यही छूट गया था पिछला दिन इसलिए हम क्वेश्चन नहीं डाले थे, आज हो गया इसीलिए डाल दिए। अभी तक तक खाली आप सुने हैं, कहानी सुने हैं, अब आज से आपका बनाना शुरू हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम वही देते हैं आज जो पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं टर्म वाला ना, उसी में से आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है आपका राइट ऑल द टर्म्स, राइट All the terms
इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बताएं क्वेश्चन आपको हम, क्या कौन कौन टर्म है उसको अलग करके आप लिख दीजिए, कौन कौन टर्म है उसको अलग करके लिख दीजिए। अब आइए इसमें से पहला, पहला आपको हम दे रहे हैं 2a माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। दूसरा दे रहे हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और तीसरा दे रहे हैं आपको माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c, और चौथा दे रहे हैं हम आपको 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3abc। बस यही चार क्वेश्चन आपको हम दिए, ठीक है। क्या करना है, सब टर्म को अलग अलग कर देना है, कर सकते हैं आराम से। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू है आपका आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल, आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। आप ये समझ रहे हैं क्या, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। क्वेश्चन नंबर थ्री है माइनस 212 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है 3x स्क्वायर माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 7, बस ये चार आपको अपने पता चल जाएगा कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, दिखाई दे रहा, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाइए। अब हम आपको कहते हैं क्या लाइक टर्म पहचानना है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, इसमें कौन कौन लाइक टर्म्स है, ठीक है। जैसे हम यहां लिखते हैं 2ab, ठीक है, 3a स्क्वायर b, 4ab स्क्वायर, ठीक है, 5ab माइनस 6ab, 7ab स्क्वायर, 1/2a स्क्वायर b, ठीक है। उसके बाद 3xyz माइनस 7a स्क्वायर b, 1/4x स्क्वायर yz माइनस 6xyz, बस अब पता चल जाएगा आपको इसमें कौन कौन लाइक टर्म है, जो जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ लिख दीजिएगा,
समझ के बात। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, इसमें आपको एक ही हम एक टर्म ले लेते हैं, ठीक है, जान एक टर्म ले लिए हम यहां कि थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, आया माइनस लगा दिए, ठीक है, ई मेरा एक मोनोमियल है, ठीक है। अब हम आपको पूछ रहे हैं इसमें कोफिशियंट निकालना, क्या निकालना है, कोफिशियंट। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको फाइंड, या फाइंड रहने दीजिए, फाइंड दी कोफिशियंट, फाइंड दी कोफिशियंट ऑफ पहला, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब समझ गए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है इसमें से। चलिए दूसरा है वाई, तीसरा है जेड क्यू, समझ गए होइएगा कोफिशियंट कैसे निकालना है। इसी क्वेश्चन में हम दे देते हैं आपको, ये हो गया मान लीजिए मेरा वन, चाहे इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, ठीक है। अब इसी में हम दे देते हैं आपको बी, क्या बी, बी में क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि लिटरल कोफिशियंट क्या होगा इसका, मतलब पूरा में लिटरल कोफिशियंट क्या है, तो फाइंड बी का भी पहला ले, बी का भी पहला ले, फाइंड लिटरल कोफिशियंट, और उसी का फिर दूसरा ले लो क्या, फाइंड न्यूमेरल कोफिशियंट। इसे पता चल गया कि कौन इसमें लिटरल कोफिशियंट है, कौन इसमें क्या है न्यूमेरल कोफिशियंट, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, हो गया ये आप ही अभी तक जो आप पढ़े हैं उसमें यही चार टाइप का आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा हम नहीं दिए, हम थोड़ा थोड़ा करके दिए हैं, यही चार टाइप का आप क्वेश्चन पढ़े हैं, लाइक अनलाइक, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए इसमें, हो गया काम मेरा खत्म हो गया इसका। एक क्वेश्चन फाइव ले लो, अब हम एक ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, जानता है सबको मिला करके एक ही क्वेश्चन हम बनाते हैं, कोई अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है कि सेवन वाई क्यू माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस थ्री एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हाँ? सबसे पहला क्वेश्चन इससे आप क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल है, हम उसमें लिख देते हैं नेम दी पॉलिनोमियल, नेम दी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या नाम है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितना टर्म्स है, ठीक है, दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन इसी का ले लीजिए, अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम इसमें पूछ रहे हैं आपको कि लिटरल कोफिशियंट कौन, अरे क्या बोले उसको, न्यूमेरिकल कोफिशियंट कौन कौन है, न्यूमेरल कोफिशियंट कौन कौन है, ठीक है। पांचवा पूछ रहे हैं इसमें से हम आपको कि लाइक टर्म कौन कौन है,
ठीक है। और छठा क्वेश्चन पूछना है इसी में से हम आपको कि कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, वो भी याद रखना साइन के साथ, ठीक है। और इसी में सातवां क्वेश्चन है कॉफिशियंट ऑफ वाई क्यू क्या, कॉफिशियंट ऑफ वाई क्यू क्या होगा, निकल गया एक ही से मेरा सात क्वेश्चन निकल गया। अच्छा और क्या क्वेश्चन बना सकता है इसमें, सो देखो मोनोमियल है कि बाइनोमियल हो गया, लाइक टर्म लिखे, हाँ इसमें से कौन कौन लाइक टर्म यदि है तो लाइक टर्म को लिख देगा, उसके बाद कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर कॉफिशियंट ऑफ वाई क्यू ये सब लिख देगा, ठीक है। उसके बाद और आप इसके बाद इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं, यही आपका छह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनाने का मन है तो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। यही आपका हो गया अलजेब्रा पार्ट थ्री, ठीक है। अब हम आगे जो चलेंगे तो आगे फिर इससे आगे निकलेंगे। चलिए जय मां बंगला मुखी।